मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ पाइनएप्पल का जैम, जिसे अनानास का जैम भी कहते हैं, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खुशबूदार है, बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि इसमें हमने कोई भी प्रिजर्वेटिंग नहीं यूज़ किया है। इसको मैंने बनाया केवल पाइनएप्पल, शक्कर और नींबू के साथ। एज ए प्रिजर्वेटिंग हम लोग केवल शक्कर और नींबू का ही इस्तेमाल करेंगे। पहले मैं पाइनएप्पल को छील के इसके छोटे छोटे क्यूब करूँगी। क्यूब करके मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। मैंने पाइनएप्पल के क्यूब कर लिए हैं, अब मैं इसको करूँगी ग्राइंड। यहाँ पे हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, अदरवाइज जैम ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। जैसे जो भी हम लोग मिक्सी का जार यूज़ कर रहे हैं, बर्तन, स्पून, सारी चीज़ें अच्छे से गर्म पानी से धुली होनी चाहिए, धूप में सूखी हुई होनी चाहिए, उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अभी मैं इनको ग्राइंड कर रही हूँ। ग्राइंड करते समय हमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें केवल पाइनएप्पल को ही ग्राइंड करना है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट छोटे छोटे पीस करके करेंगे तो आसानी से होगा। अभी मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, अब मैं इसको काउंट कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग शक्कर डिसाइड करेंगे। जितना हमारा पाइनएप्पल का पल्प रहेगा, उतना ही अमाउंट में हम लोग शक्कर डालेंगे। मतलब रेशियो इक्वल होना चाहिए, जितना पाइनएप्पल का पल्प उतना ही शक्कर। अभी 3 कप और थोड़ा सा है, मतलब अराउंड 3 कप पाइनएप्पल का पल्प है, तो मैं इसमें 3 कप ही शक्कर डालूंगी। अभी मैं केवल 1 कप शक्कर डाल रही हूँ। डाल के मैं इसे थोड़ा सा मेल्ट होने दूंगी, उसके बाद मैं इसमें बाकी का शक्कर ऐड करूंगी। अभी मैंने इसको रखा है गैस के ऊपर। गैस का फ्लेम यहाँ पे एकदम धीमा है, धीमी आँच पे ही हमको पहले रखना है। अगर हम लोग डायरेक्ट गैस का फ्लेम हाई रखेंगे तो पाइनएप्पल का पल्प जल जाएगा और उसमें जलने का गंध आएगा। मेल्ट हो गया, इसमें मैं बाकी का शक्कर डाल रही हूँ। इसमें मैं कोई भी आर्टिफिशियल एसेंस, इलायची, जायफल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पाइनएप्पल का खुशबू अपने आप में बहुत अच्छा रहता है, किसी भी एसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसे मैं लगातार चलाते हुए अराउंड धीमी आंच पे 15 मिनट तक पकाई हूँ, या तब तक जब तक कि ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए, और हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। अभी मैंने प्लेट के ऊपर डाला है, थोड़ा सा ये स्लिप हो रहा है, मैं उंगलियों के बीच में भी दबा रही हूँ, ये चिपचिपा हो गया, मतलब हमारा जैम रेडी है। अभी यहाँ पे हमें इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाता है। अब मैं इसमें एक नींबू को काट के उसका रस डाल रही हूँ। रस डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करके गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ये जैम रोटी, पराठे, किसी के भी साथ खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। और फ्रूट हमें हर सीज़न में तो मिलता नहीं है, जब मिलता है तब उसका जैम बना के उसको स्टोर करके रखो और साल भर इंजॉय करो। बहुत ही टेस्टी लगेगा, बहुत ही हेल्दी भी है, क्योंकि कोई भी प्रिजर्वेटिंग नहीं डाले। अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया, मैंने इसे ढक दिया है और इसको मैं ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ठंडा हो गया है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये जम गया है। अभी यहाँ पे एक बार और आप प्लेट टेस्ट करके देखना, अगर यहाँ पे ऐसी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, अगर आपका जैम पतला रहेगा तो आप उसे थोड़ा सा और पका लेना। अभी मैं आपको प्लेट के ऊपर डाल के दिखा रही हूँ, मैंने इसको प्लेट के ऊपर डाला है, बिल्कुल ये जम गया है। मैं आपको प्लेट घुमा के भी दिखा दूँगी, ये एकदम जमे हुए कंसिस्टेंसी में है, मतलब हमारा जैम बनके परफेक्ट है। अब मैं इसको भर रही हूँ बॉटल में। बॉटल को भी मैंने गर्म पानी से अच्छे से धो के धूप में सुखाया था, उसके बाद ही मैं इसमें भर रही हूँ। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो ये जैम साल भर तक भी ख़राब नहीं होगा। एक पाइनएप्पल में अराउंड 1/2 kg, मतलब एक बॉटल और एक बाउल भर के जैम बन गया। अब आप भी ये टेस्टी हेल्दी जैम बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।